हेलो फ्रेंड्स, मैं अरामिका इस चैनल की होस्ट और आपकी दोस्त आज हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं पनीर धनिया अदरक की। इसके लिए मैंने पनीर धनिया अदरक और ये लहसुन का पेस्ट है, मिर्ची टमाटर सबको बारीक से काट लिया है, रेडी करके रखा। इधर कढ़ाई में मैंने तेल लिया, रिफाइन ऑयल लिया है और इसी में मैं बटर भी ऐड कर दे रही हूँ। उसको मेल्ट हो जाने देते हैं और ये है साबुत जीरा, तेज पत्ता और ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो जाने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा झाग झाग आ गया बटर के कारण। और अब धनिया पत्ता जो है उसको भी थोड़ा ह्यूज अमाउंट में डालिएगा, क्योंकि इसके नाम में ही धनिया है तो ये लगेंगे ज़्यादा, इसीलिए इसको भी फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। और ये फ्राई हो चुका है, अब बस इस ग्रेवी को हम निकाल लेते हैं। पहले थोड़ा सा ज़्यादा निकाल के रख लेते हैं एक अलग कटोरी में। ये मैंने निकाल के रख लिया बटर तेल के साथ। अब इसी जो लेफ्ट ओवर है उसी में हम धनिया पत्ता के साथ ही ये प्याज को फ्राई कर लेते हैं, पूरा एकदम सॉफ्ट होने तक, पिंकिश कलर हो जाएगा तब तक इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और इसी के साथ अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। एक बार हमने पहले भी डाला था, ये दूसरी बार है, इसे दोबारा डालेंगे क्योंकि इसमें अदरक का क्वांटिटी ज़्यादा है और हमें इसको यूज़ करना है ज़्यादा, इसलिए इसको अच्छे से और फ्राई कर लेते हैं। एकदम सॉफ्ट होने तक हमें अच्छे से फ्राई करना है, अदरवाइज ये अगर सॉफ्ट नहीं होंगे तो ये आपको जो ग्रेवी है उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए इसको हम बहुत धीमी आँच में धीरे धीरे करके कुक करते हुए इसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे सॉफ्ट भी होगा और फ्राई भी होगा, इसको जलाना नहीं है, इसको कंटिन्यू स्टर करते रहिएगा। ये होने के बाद इसमें हम अब जो मिर्ची हमने कट के रखी थी तीखे के हिसाब से आप वो भी डालिए, उस हिसाब से डालिएगा। उसको भी फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। इसको भुनना ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है इस रेसिपी में। इसको धीरे 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 एक एक चीज़ डाल के आपको भुनना पड़ेगा और ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसी वजह से प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज है इसीलिए। और इसके बाद अब टमाटर डाल के भी हम इसको भुनेंगे, इसको सॉफ्ट करना है हमें, पूरा टमाटर गल जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। इसी बीच हम इसमें मसाले जो ड्राई मसाले होते हैं उसे भी ऐड कर देंगे, तो वो भी इसके साथ साथ पकते रहेंगे और फ्राई होते रहेंगे। मसाले को भुनने से ही उसका टेस्ट एक्चुअल आएगा। इसी में अब हम जो ड्राई मसाले हैं उसको भी डाल देंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं इसको पहले। ये है, पहले मैंने नमक डाला और इसके बाद अब हम इसमें हल्दी डाल देते हैं। ये है धनिया पाउडर, ये है जीरा पाउडर, कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये ज़रा सा हींग और गरम मसाला पाउडर ज़रा सा। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए हम फ्राई करेंगे। अब देख सकते हैं टमाटर धीरे धीरे सॉफ्ट हो चुके हैं और थोड़ा सा सॉफ्ट होना बाकी है। इसे थोड़ा सा और पानी चला के हम पानी डाल के थोड़ा सा पकाते हैं, अदरवाइज ये जल जाएंगे।
इसलिए हमें अच्छे से सॉफ्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से पकाना पड़ेगा। ज़रूरी है कि पक जाने के बाद इसको देखते हैं, थोड़ा सा ढक देते हैं। एक इसके साथ प्याज और टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल धीमी आंच में इसको थोड़ा सा पकने दें। देखिए, और जो कसूरी मेथी थी उसको भी हम ऐड कर देते हैं क्रश करके, इसका भी फ्लेवर ऐड हो जाएगा इसमें। और ये था किचन किंग मसाला, हमने थोड़ा मसाले के इसको ऐड किए हैं थोड़ा सा टेस्ट फ्लेवर बढ़ाने के लिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसे अच्छे से भून लेते हैं इसको भी मसाले के साथ। अब देखिए पूरे जो प्याज और टमाटर हैं वो एक साथ मिक्स हो चुके हैं सॉफ्ट होकर, तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल डाल के इसको अच्छे से फ्राई किया है, मसाले को इसको भुना है कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट भी होते रहे, नरम भी होते रहे और मसाले जले भी ना। और इसके बाद मैंने जो पहले अपना जो धनिया पत्ता और अदरक का हमने बटर के साथ फ्राई करके रखा था वो वाला जो मिक्सचर है उसको हम इसमें अब डाल देते हैं। इसको अगर हम पहले से डाल देते तो ये पूरा जल के इसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है, इसीलिए इसको पहले से नहीं डालते हैं। इसको पहले आप फ्राई करके निकाल के रख लें, उसके बाद आप डालिए, या तो या चीज़ ये चीज़ को आप ये दूसरी एक और पैन में भी कर सकते हैं। और करने के बाद फिर ये जो पनीर था उसको भी मैंने डाल दिया, ये अब फाइनल के करीब करीब है स्टेज के, तो आप देखिए इसको भी मैंने अच्छे से मिला लिया है। तो ग्रेवी के साथ ये भी पनीर पूरा मिक्स होके कोटिंग हो जा रहा है। और अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया मैंने, और अब इसमें हम डालेंगे क्रीम। ये क्रीम डालने से इसका फ्लेवर और एनहांस हो जाएगा और एकदम क्रीमी टेक्सचर आएगा। देखिएगा पूरा कलर इसमें अब चेंज हो जाएगा इसके वजह से, फ्रेश क्रीम है, थोड़ा सा जम गया है शायद ठंडी में। अब इसको हम अच्छे से पूरा मिला लेते हैं। देखिए धीरे धीरे पूरा टेक्सचर चेंज हो जाएगा और ये बहुत ही बेहतरीन लगता है, अब मखमल जैसा फ्लेवर इसमें आएगा, मखमली टेस्ट टेक्सचर इतना स्मूथ हो गया। देखिए एकदम रेडी एकदम क्रीमी कलर का। बस ये अब फाइनल है। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी हमेशा शेयर करती रहूँगी। इसको हम थोड़ा सा और स्टैंडिंग टाइम में रखते हैं क्योंकि हर चीज़ इसमें बॉईल है, हर चीज़ कुक हो चुका है, पर इसमें जस्ट ये पनीर हमने डाला है अभी क्रीम के साथ, तो ये फ्लेवर को थोड़ा एब्जॉर्ब कर ले, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा ढक लेते हैं बस। और ये थोड़ा सा खाने में टेस्ट में मिठास रहता है इसमें, इसलिए थोड़ा सा आप शक्कर डाल दीजिए, फिर इसको जस्ट मिला दीजिए बस। और ऊपर से और धनिया पत्ता हम गार्निश भी करेंगे और ऊपर से मिक्स भी करेंगे। बस ये रेसिपी अब रेडी है। अभी से हम अपना प्लेटिंग के लिए निकाल लेते हैं, उसके पहले धनिया पत्ता से। अब देखिए देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। इसको जस्ट मिला लेते हैं और उतार देंगे। फिर से कहती हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे।